नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रशि राजपूत। दोस्तों, घर के उत्तर दिशा में देवी लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें वो कमलासन पर विराजमान हो और स्वर्ण मुद्राएं गिरा रही हो। ऐसी तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है और इससे घर में समृद्धि का वास होता है। साथ ही अगर आप उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर लगाएंगे तो पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए काफी फायदेमंद होगा। और आज इसी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120715387807, 0120715386 नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इन पर कॉल करिए और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर आचार्य जी से अपनी समस्या का हल आप जान सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो कुछ दिशा को लेकर है, कुछ चीजों को लेकर है, कुछ तस्वीरों को लेकर है। जैसे घर में अक्सर हम कुछ भी तस्वीर लगा लेते हैं, लेकिन अगर हम बात करें भगवान की तस्वीर, जैसे माँ लक्ष्मी की अगर हम बात करें, तो उसे भी लगाने का एक तरीका होता है। कमलासन पर विराजमान हो, स्वर्ण मुद्राएं हो। आचार्य जी, ऐसी ही तस्वीरें लगाने से क्या कुछ लाभ मिलता है? और पढ़ाई के लिए कहा जाता है कि तोते की तस्वीर लगाए या तो कुछ ऐसी तस्वीर लगाए जिससे दिमाग पढ़ाई की तरफ फोकस रहे। देखिए, बड़ा अच्छा प्रसंग आपने लिया है। घर में कहाँ तस्वीर को विराजमान करें माँ लक्ष्मी को, कमलासन माँ भगवती माँ लक्ष्मी को विराजमान और स्वर्ण मुद्राओं के साथ विराजमान करना महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करना के बराबर होता है। इससे घर में समृद्धि का वास होता है। अगर आप उत्तर दिशा में तोता की तस्वीर लगाते हैं तो पढ़ने वाले बच्चों का मन एकाग्र होता है। धन का कैसे आगमन करें? हमारा वास्तु विज्ञान के अनुसार पानी की टंकी मकान की छत पर पश्चिम दिशा की ओर लगानी चाहिए। इस दिशा में छत के अन्य भागों से ऊंचा चबूतरा बना करके पानी की टंकी रखना वास्तु के नियम के अनुसार बड़ा शुभ होता है। सुख शांति का वास कैसे हो? घर के मुखिया अगर भगवान शिव और चंद्रमा देवता के मंत्रों का हर रोज जप करते हैं तो उनके यहाँ सुख शांति का वास होता है। वास्तु के नियमानुसार घर के बड़ों को नियमित शिवजी के मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे घर में बरकत होती है। घर में उन्नति कैसे हो? अगर आपके घर के दक्षिण पश्चिम भाग को आप ऊंचा रखते हैं तो शुभता का प्रतीक है। घर में उन्नति और शांति का वास होता है। मकान के दक्षिण पश्चिम भाग में टील या चट्टान हो तो बड़ा लाभदायी होता है। घर की शुभता प्राप्ति कैसे हो? पूर्व दिशा के घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करें। पूर्व मुखी घर में मुख्य द्वार के बाहर ऊपर की ओर सूर्य का चित्र या प्रतिमा लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव में कमी आती है। कभी भी इस स्थान पर गंदगी ना फैलाएं। कौन सा स्थान है वो? घर के मध्य भाग को हमेशा खाली रखें। मध्य भाग कहें तो आपका जो घर का चौक है उसे आप खाली रखें, क्योंकि ये भाग में गंदगी नहीं होनी चाहिए। धन की वृद्धि के लिए क्या करें? मुख्य दर्पण होना चाहिए पूर्व घर में, जैसे आप पूर्वी और उत्तरी दीवारों पर लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी कांच नहीं लगाएं। उत्तर दिशा में दर्पण लगाने से आय और धन की वृद्धि होती है। घर में आती है सकारात्मक ऊर्जा है। घर के मुख्य द्वार पर काले घोड़े की नाल लगाना शुभता का प्रतीक माना गया है। नाल का मुख नीचे की तरफ होना चाहिए। मान्यता है कि इससे बुरी नजर से बचाव होता है। घर में रहने वाले लोगों की तरक्की होती है। पुनः सुनिए, नाल का मुख
नीचे की तरफ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो हमारा वास्तु विज्ञान आज चंद श्री जी ने बड़ा अच्छा विषय रखा है, और मैंने पूर्व में भी कहा है कि चंद श्री जी बड़ी होशियार, समझदार और हमारे सभी दर्शकों के लिए बड़ा हितकर सोचती हैं, और ऐसे में जो है अच्छे चिंतन करना, अच्छा प्रश्न रखना, ये भी बुद्धिमानों का ही काम होता है। और ऐसे में आपको बताना चाहता हूं कि यहां इनके द्वारा आज ये प्रश्न इसलिए किया गया कि आपको अपने घर का रख रखाव किस प्रकार से बनाए रखना चाहिए। बहुत शुभ मंगल कामना है। जी आचार्य जी, आज का हमारा विषय भी इसलिए था क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है कि लोग अपनी दीवारों पे कहीं पर भी कुछ भी लगा देते हैं, भगवान की जो तस्वीर होती है वो दिशा को देखे बिना लगाते हैं, ऐसे में उनका भी नुकसान होता है और घर में भी कलेश होते हैं। तो आचार्य जी ने जो भी आपको बताए हैं उपाय, किस तरीके से आपको कहाँ कौन सी दीवार पे कौन से भगवान की चित्र लगाना चाहिए, इससे आपको लाभ होता है। इसी के साथ आचार्य जी एक एक करके कॉलर्स भी जुड़ने लगे हैं, एक एक करके कॉलर्स को भी हम ले लेते हैं। हमारे साथ जो पहला कॉलर जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। रिकॉर्डिंग कर लीजिए, काल में कर दिया जाएगा आधा रिकॉर्डिंग। आप अपना नाम और अपना सवाल बताइए सर, और टीवी के वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। हेलो जी जी नमस्कार, वीडियो कॉल। हाँ जी ना, नमस्कार सर, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ जयपुर से। जी मैं अपने भांजे के लिए पूछना चाहता हूँ, भांजे का नाम है भीमराज, उसका जन्म है 25/10/90 1990 का, और शाम का 7:34 का जन्म है उसका। उसका भविष्य कैसा रहेगा, उसकी शादी कब होगी, और वो कुछ मादक पदार्थ का सेवन करता है, वो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? देखिए, आप अपने भांजे के लिए जो प्रश्न कर रहे हैं, इसके लिए आपको बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं। और आप माने कि ये वृषभ लग्न की जन्म पत्री है और राहु की महादशा वर्तमान में इनको चल रही है, और राहु में शनि का अंतर है, शुक्र का प्रमुखता है। वैसे तो बृहस्पति इनका पराक्रम भाव में बड़ा उच्च का बैठा हुआ है, 17 डिग्री पर, लेकिन बृहस्पति के साथ केतु होने से और 8वें भाव में शनि और चंद्रमा विषयोग बना रहे हैं, ऐसे में ये काफी अच्छा करना चाहते हैं मगर अच्छा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि राहु केंद्र का स्वामी होकर के भाग्येश में बैठा हुआ है। धनु राशि में स्थित चंद्रमा से राहु का क्रियात्मक स्वभाव तो ठीक है, पर चूंकि आप सब जानते हैं कि नैसर्गिक पाप ग्रह होने के कारण भाग्येश के भाग्य फल को अवरुद्धता में तब्दील करता है, इसलिए आप कृपा करके इनसे बुधवार के दिन हरा चारा गायों को देने के लिए कहिए, और यदि ये कर सकते हैं तो बुधवार को गणपति को ध्रुवा अर्पण करें। ये जो भी गलत संगत से प्रभावित हो रहे हैं उसमें कमी आएगी और तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। बड़ी मंगल शुभकामना है, गणपति की सेवा करने के लिए आप प्रेरित कीजिए। जी जी, और इसी के साथ अगले कॉलर का भी रुख करेंगे। अगला कॉलर जो हमारे साथ जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। पंडित जी सर, पर आयुष्मान श्री राम जय राम जय राम। पंडित जी, मैं मेरे पुत्र के बारे में पूछना चाहता हूँ। पुत्र का नाम है नथुपाल सिंह, जन्म है 13/5/1986, जन्म स्थान चूरू, समय 2:30 से 3 बजे तक। उसके तो सरकारी रोग है कि नहीं सर, वो बहुत पेंट कर रहा है लेकिन लग रहा नहीं है। देखिए, आपका बड़ा स्वागत है हमारे भागफल कार्यक्रम में, और बेटे का जो जन्म पत्री हम देख पा रहे हैं, सिंह लगन का जन्म पत्री है और शनि की महादशा है, बृहस्पति का अंतर है, शुक्र का प्रतंत्र है, और जो शनि है इनका वक्री हो रहा है शुभ भाव में बैठ करके। चतुर्थ भाव में स्थित शनि का उपस्थिति होना ठीक नहीं है,
मिथुन राशि से स्थित चंद्रमा से शनि का क्रियात्मक स्वभाव भी थोड़ा कमजोर लग रहा है। ऐसे में इनको आप कृपालु, क्योंकि वैसे सूर्य तो इनका उच्च का है पर राहु बैठा हुआ है, आप कृपा करके इनको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहिए, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी का पाठ करने के लिए यानी हनुमान चालीसा को पढ़ने के लिए 7 बार पढ़ने के लिए कहिए, और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिरों में 11 जगह 11 मंदिरों में जय श्री राम लगा हुआ झंडा पताका ध्वजा लगवा दीजिए 11 मंदिरों में, अवश्य इनको लाभ होना शुरू होगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं जी। इसी के साथ अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगला कॉलर जो जुड़ रहा है, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। अच्छा जी, आपके चरणों में मेरा सरस्वत नमस्कार है। अच्छा जी, आपको भी नमस्कार है। नमस्कार। और मैं अच्छा जी ये जानना चाहता हूँ कि औरतें कहती है कि ये चंदन का तिलक होता है मिला, ये औरतों को नहीं निकालना चाहिए, तो ये क्यों नहीं निकालना चाहिए, इसके बारे में बताइए। देखिए, आप बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, और शायद प्रश्न आपका इसलिए भी अच्छा हो गया है कि सार्वजनिक है, और सार्वजनिक जब प्रश्न होता है तो फिर तो वो अच्छा ही होता है। तो यहाँ जो हम देख पा रहे हैं कि औरतों को, महिलाओं को चंदन का तिलक क्यों नहीं लगाना चाहिए, अब इसके पीछे प्रश्न आता है कि चंदन क्यों नहीं लगाना चाहिए। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, ध्यान सुने। सफेद चंदन होता है इसलिए स्वागन महिलाएं इसको लगाने से परहेज करती हैं, लेकिन जो कृष्ण भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त महिलाएं हैं, वो इसे लंबवत 3 धारियों में लगाने की परंपरा है। और महिलाओं को चंदन क्यों नहीं लगाना चाहिए, किसी भी तरह की एलर्जी हो तो चंदन के इस्तेमाल से बचें। चंदन पेट संबंधी कई समस्याओं का कारण बन सकता है। प्रेगनेंसी व स्तनपान कराने वाली महिलाएं चंदन का इस्तेमाल ना करें। और आपको ये भी थोड़ा बताना चाहते हैं, क्या लड़कियां माथे पर चंदन लगा सकती हैं? हमारे माथे पर टीका या चंदन लगाने के पीछे का कारण क्या है? फैशन के आड़ में तिलक लगाने से परहेज करते हैं। भारत में किसी भी हिंदू के लिए बच्चों सहित महिलाओं को यदि विवाहित है तो उन्हें बहों के बीच में सिंदूर लगाने के अलावा केस रेखा के नीचे कनपटी पर यहां चंदन लगाना कम पसंद है। इसलिए चंदन नहीं लगाने के पीछे कोई परहेज नहीं है, केवल और केवल मात्र हमारी अपनी परंपरा में उस तरह का भाव नहीं है, यही एक बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। और कृपा करके स्कंद पुराण में इसका जिक्र दिया है कि श्री कृष्ण ने गोपियों की भक्ति से खुश होकर के द्वारका में गोपी का सरोवर था, और गोपी का सरोवर पर जो हमारा संप्रदाय के द्वारा वहां सुगंधित लकड़ी चंदन, उसको चंदन कुदरत का ही वरदान है, चंदन के पेड़ को सात्विक पेड़ हम मानते हैं, तो ऐसे में वो उस समय एक छोटा सा हमको एक मिलता है कि भाई ये चंदन ने शांत की नरक की आग को, इसलिए माथे का बना तिलक तो तिलक लगाती भी है, और ये तिलक लगाना काफी अच्छा होता है। जब यमराज के पास दुराचारी राजा के कर्मों का खाता खुला तो उसे नरक में डाल दिया गया था, पर राजा नरक में गोपी चंदन के जो है लगा के मरे थे तो उनके पास था, तो उन्हें मुक्त कर दिया गया था।
ध्यान रखें कि ये चंदन लगा सकते हैं। जी जी आचार्य जी, और ये भी सबके लिए जानना बेहद जरूरी है और ये सवाल भी सभी के काम आने वाला है जिसका जवाब आपने दे दिया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, समय की थोड़ी कमी है जिसके चलते हमें राशियों पर जाना होगा और एक नजर फटाफट अंदाज में राशिफल देख लेते हैं। तो आइए हम बात करते हैं मेष राशि से। आज का मेष राशि के दिन मान सम्मान में वृद्धि देने वाला रहेगा। अपनी वाणी व्यवहार से लोगों का दिल जीतने में आज आप कामयाब रहेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी धार्मिक आयोजन में आज सम्मिलित हो सकते हैं। आपके मित्रों की संख्या में इजाफा हो रहा है। विद्यार्थी शिक्षा बेहतर प्रदर्शन करने का आज आपको देखकर के खुशी का एहसास परिवार वाले करेंगे। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए लंबे समय आपको अपनी आय को बढ़ाने के लिए अपनी इनकम के सोर्स पर पूरा ध्यान देना चाहिए। नौकरी में कार्यरत लोग किसी पार्ट टाइम कार्य करने की योजना बना सकते हैं। अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। और अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन धन संबंधित मामलों में बहुत परिवार में लोग आपसे आवश्यक कामों को लेकर सलाह मशवरा आज कर सकते हैं। आपके किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के आज योग बनते हैं। और भाई ये इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए बड़ा उत्तम है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह का प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है। आप अपने बॉस की बातों में तालमेल बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। आपके लिए प्रमोशन के नए नए मार्ग खुल रहे हैं। नवविवाहित जातकों के जीवन में किस नए मेहमान का दस्तक आज हो सकती है। और भाई हम बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी। आज आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। आपको अपने कीमती सामानों की सुरक्षा रखनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपके दिए गए सुझावों का स्वागत किया जा रहा है। आप अपने साथ साथ औरों के कामों को भी पूरा करने की कोशिश में लगे रहेंगे। और भाई हम बात करते हैं अगली राशि का, कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आपकी सेहत के लिए थोड़ा कमजोर रहने वाला है। आप अपने दिनचर्या में योग व्यायाम पूरा करें। कार्य क्षेत्र की जगह आप किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है। आपके रिश्तों में यदि कुछ अनबन चल रही है आज बातचीत के जरिए दूर होगी। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले दर्शकों के लिए। तुला राशि के जातकों को अपने आपके बढ़ते खर्च आपके लिए परेशानी बन सकते हैं। परिवार में के सदस्य की प्रतिभा के परिणाम से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपका व्यवसाय संबंधित कामों पर पूरा फोकस बनाए रखा है। भाई हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आप चकुंती करेंगे जिसका आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप बजरंगबली के मंदिर जाने से आपके काफी काम बनेंगे। किसी नए घर, मकान, दुकान आदि की खरीदारी करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी से अपने प्रेम का इजहार
आज कर सकते हैं। भाई बहनों से चल रही मन बातचीत के जरिए बात दूर होती है। और भाई हम बात करते हैं धनु राशि वाले दर्शकों के लिए। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों को अपने कामों में सफलता आ जाएगी और एक नई राह पर आप बढ़ेंगे। आपको पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत करने से आज बचना चाहिए। आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खिलेंगे। यदि आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आज आपको खुशखबरी प्राप्त होती है। तब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी आय के नए नए स्रोत प्राप्त हो रहे हैं। पार्टनरशिप में कोई काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने आसपास रह रहे शत्रुओं में सावधान रहने की आवश्यकता है। आप किसी संपत्ति को खरीदने की योजना बना सकते हैं। और भाई हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले आपके मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपने रुपये पैसे के संबंधित मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी चाहिए। आप किसी बैंक के व्यक्ति संस्था आदि से धन उधार लेने के लिए सोच विचार आज कर सकते हैं। और भाई हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों। आज का दिन आपके लिए बहुत उत्तम फल लेकर के फलदायक रहने वाला है। आज आपको कार्य क्षेत्र में अपने कामों को लेकर प्रोत्साहित मिलेगा जिससे आपका हौसला और बुलंद बनेगा। जो जातक राजनीति में कार्यरत है उनका दबदबा चारों ओर फैलेगा। उन्हें काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रकार से यह है हमारा जी। तो आज का विषय भी सबने जान लिया और राशिफल भी सबको पता चल गया और आज का विषय भी बहुत खास था। आचार्य जी, इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ प्रभात, और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम भी आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए भाग्यफल। नमस्कार।